बदला कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक फौरी राहत यूएस इक्विटीज दिखा रहे हैं, और सारे ग्लोबल इक्विटीज क्या हुआ है, बहुत पिटे हुए थे, तो कोई भी रे ऑफ होप जो है ना वो थोड़ा अच्छे बाउंस बैक में तब्दील हो जा रहा है। पर इस बाउंस बैक को प्ले कैसे करना है, इस 1% के जंप को हम ट्रीट कैसे करें? कल अच्छा आप जब तक करो, कल इलॉन मस्क साहब ने ट्वीट बड़ा अजीब गरीब करा था। कौन सा? पता आप जब तक अपना ग्लोबल बताओ मैं बताता हूँ आपको। कल मेरा पॉपअप आया था मेरे विंडो में, पॉवेल साहब ने एक बात जो कही है उसको चिंता करनी चाहिए कि उन्होंने कहा सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगी इकॉनमी में, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो ब्याज दरें बढ़ाना चाहते हैं वो दो बार तो उन्होंने कह दिया कि नेक्स्ट टू पॉलिसी स्टेटमेंट में 50-50 बेसिस पॉइंट के बढ़ेंगे, यानी आधा परसेंट। साथ में उन्होंने कहा कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगी, और जरूरी नहीं आधा ही, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये साफ इंडिकेशन है कि ब्याज दरें बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। दूसरी ओर अपने यहाँ भी देखिए, आप क्लोज टू 8% आ गया इन्फ्लेशन रेट, तो अपने यहाँ जून की बैठक में भी तय हो गया, अभी एक मिड टर्म हुआ था, अभी एक प्रॉपर उसमें होगा। तो ये दो कंसर्न है मार्केट, लेकिन रिजॉइस कर रहा है कि इतना गिरे थे तो एक टेक्निकल बाउंस कह लीजिए वो सब आता हुआ दिख रहा है। हालांकि मैं डाउ फ्यूचर्स या एसजीएक्स निफ्टी पर इस वक्त भरोसा नहीं करता हूँ, जब एक्चुअल खुलेगा तो पता चलेगा क्या हुआ स्थिति। और जिस तरह से कल FIIs ने धुआंधार बिकवाली की मौके का फ़ायदा उठा के, वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो स्क्रीन पे देखिएगा, खुलने से पहले कोई राय बनाना इस वक्त ठीक नहीं है, मार्केट बहुत तेज़ी से उल्टा पुल्टा हो रहा है, और उससे हमें लगता है कि सिचुएशन ऐसी है कि आपको बहुत कॉशियस अप्रोच लेना चाहिए। लेकिन हाँ, आशीष बहती अभी सुबह हमारे शो में थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि 0.4 है पुट कॉल रेशियो PCI को, तो वो ओवर एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड है, 0.4 बहुत नीचे होता है, तो वहाँ से एक टेक्निकल बाउंस आ सकता है, तो उसको आप प्ले करने की कोशिश करिएगा। बाकी जो लोग पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं उनको, जिनको ये लगता था कि मेरी ट्रेन छूट गई, बहुत दूर निकल गई है, अब ट्रेन खड़ी नहीं हो गई, ट्रेन थोड़ा वापस भी आ रही है, तो वापस आ रही है मतलब ये नहीं कि आप भी और पीछे चले जाओगे, अब देखते हैं हम अपने घर से पकड़ेंगे, जहाँ पे खड़े हो वहीं पे खड़े रहो, और ट्रेन पकड़ लेना चाहिए मेरे ख्याल में।